बाबा विश्वनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आ गया शरद पूर्णिमा की रात्रि, बड़े से बड़ी बीमारियां, बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े बड़े कष्ट इस शरद पूर्णिमा की रात्रि को छूट जाते हैं। दमे की बीमारी, श्वास की बीमारी, अनिंद्रा की बीमारी, रात्रि को जगना, ये सारी बीमारियां शरद पूर्णिमा की रात्रि को अगर व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय बनाए, अपने जीवन को आनंदमय बनाए तो सब छूट सकता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को पीपल के पत्ते 5 लेकर उसके ऊपर खीर डालकर रात्रि को खा लेने से महाराज दबे की बीमारी, श्वास की बीमारी रुक जाती है, वो बीमारी बढ़ती नहीं है, उससे कष्ट नहीं होता। जिन बच्चों के नेत्र कमजोर होते हैं और रोशनी कमजोर होती है, शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि को 12 बजे भगवान चंद्रदेव का दर्शन कराइए। आज से 7 मिनट तक नयन मिलाए चंद्रदेव के साथ और बाद में एक पीपल के पत्ते पर खीर जो चंद्र के नीचे रखी हुई है उसी खीर को चटा दीजिए, फिर चंद्र का दर्शन कराओ, फिर खीर को चटा दीजिए। महाराज नयन की ज्योति बढ़ती है, नींद नहीं आती तो निंद्रा देवी प्रवेश करती है, निंद्रा अच्छी आती है, आनंदित होता है। महाराज जिस व्यक्ति के शरीर में गांठ पड़ जाती हो, शरीर काला पड़ जाता हो, चट्टे पड़ जाते हो या दांत खाज खुजली हो जाता हो, उसके लिए भी शरद पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे महाराज भगवान चंद्रदेव के लिए 21 दिए जलाए जाते हैं। उस 21 दिए की कालोच एक थाली में इकट्ठी करी जाती है, काजल कालोच को इकट्ठी कर शरीर में गाय के घी के साथ में जहां जहां जगह पर चट्टे हैं, गांठ है, वहां लगाया जाता है। उसको 5 या 7 दिन लगाइए, उसके बाद में रोज प्रतिदिन लगाने के आधे घंटे बाद स्नान कर लीजिए, आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि से लेकर कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि के बीच में जो दामोदर भगवान का, कृष्ण का, शिव का मंगल आनंद करेगा, अभिषेक करेगा, पूजन करेगा, स्मरण करेगा, उसके सारे दुख दरिद्र दूर हो जाएंगे। रात्रि को आप बड़े प्रेम से खीर बनाओ, चंद्रदेव की साक्षी में रखो, भोग लगाओ भगवान श्री हरि को। बन सके अगर लक्ष्मी की कमी है, लक्ष्मी नहीं आ रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, तकलीफ बहुत ज्यादा है, घर में कष्ट है, कर्जा ज्यादा है, तो एक तांबे के कलश के ऊपर, तांबे के कलश में पानी भरना, कटोरी रखना, उस पे लक्ष्मी जी की मूर्ति रखना, लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं हो तो चांदी का सिक्का रखना, उसके सम्मुख में आप 31 दीपक घी के लंबी बाती के जला दें। मारा एक एक कमल गट्टा उस 31 दिए के अंदर डाल देना और लक्ष्मी जी का पूजन करना, लक्ष्मी जी का स्मरण करना, खीर का भोग लगाना, पान के पत्ते पर खीर रखना, 5 पत्ते पर खीर का भोग लगाना और माता लक्ष्मी से विनती करना, सुबेरे 4 बजे तक वो रखे रहने देना, सुबह 4 बजे वो उठाना, लक्ष्मी को वापिस तिजोरी में या सिक्का हो तो उसको अलमारी में रख देना, जो खीर बनी है वो प्रसाद के रूप में सुबह 8 बजे 10 बजे 9 बजे जब खाना हो प्रेम से पाना। माता जो दिए लगाए हैं वो ठंडे हो गए होंगे, उनको रखे रहने देना, बाद में काम आते रहेंगे, या दिए विसर्जन करना हो तो आपकी मर्जी है, पर वो मट्टी के दिए लगेंगे, आटे के दिए नहीं लगेंगे, मट्टी के दीप लगाना है आपको 31 बार, घी के दिए लगाना है, लक्ष्मी जी का पूजन करो कंकू चावल हल्दी मोली से सब तरह से। शरद पूर्णिमा की रात्रि को सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, लक्ष्मी की वृद्धि होगी, कार्य सिद्धि होगी। दूसरा क्रम, अगर कार्तिक पूर्णिमा हो, शरद पूर्णिमा हो, ये दोनों पूर्णिमा पर, शरद पूर्णिमा के दिन आप शाम को प्रदोष काल के समय 4:30 से 6 बजे के बीच में एक लोटा पानी, उसमें 5 बेलपत्र रखकर, एक कमल गट्टा डालकर भगवान चंद्रेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को चढ़ा दीजिए। आपकी जो कामना हो वो कामना कर चढ़ा, विनती करें चंद्रेश्वर महादेव को और निवेदन करें कि हमारा ये कार्य सफल हो। केवल शरद पूर्णिमा के दिन चढ़ाइए, कार्तिक पूर्णिमा तक क्या फल मिलता है हमको जरूर बताइए। भी शरद पूर्णिमा की रात्रि को और कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को गर्भवती नारी अपनी नाभि पर यदि चंद्र की दृष्टि पड़वा लेती है तो बच्चा विकलांग पैदा नहीं होता है,
गर्भ से जो बालक होगा श्रेष्ठ होगा, विद्वान होगा, चतुर होगा, पढ़ने में होशियार होगा, क्योंकि ये चंद्र की किरणें जब समुद्र में उछाल ला सकता। कानी दिखे कहीं किसी को पास कानी दिखे रहते हैं। उसके लिए भी शरद पूर्णिमा के तुलसी की जो डंडी होती है, तुलसी जैसे बेलपत्र की जो ये डंडी है, ऐसे ही तुलसी का जो पत्ता होता है, उस पत्ते की जो डंडी होती है, उस डंडी को चंद्रमा को देखा जाता है, उस डंडी की जो कोर होती है उस कोर को दृष्टि से मिलाया जाता है शरद पूर्णिमा की रात्रि। 12 बजे आप चंद्रमा की, जैसे चंद्रमा का भाग, उस चंद्रमा के भाग को आप उस डंडी के भाग से निहारने का प्रयास करिए। घर में आई है, घी का दिया लगाई है, उस घी के दीप को लगाने के बाद पूर्णिमा के दिन उस पर एक प्लेट थोड़ी तिरछी कर कर रख दो, जिससे उसकी कालोच काई की उस दीप की, घी के दीप की कालोच उस प्लेट पर आ जाए। थोड़ी सी कालोच ले लीजिए, 5-10 मिनट में आ जाएगी। उसको गाय के घी में मिलाकर आंखों में सुरमा लगाकर रात्रि को सो जाइए। 3 दिन बाद आप महसूस करेंगे कि नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो। आप अपने जीवन को, ये पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा कहती है, शरद पूर्णिमा आ रही, कुछ नहीं करना, पीपल का एक पत्ता, उस पत्ते पर थोड़ा सा चावल की रात्रि को अपने हाथ में लेकर, अपने नैनों से लगाकर, शरीर पर से स्वयं उतार कर उसको दरवाजे के पास रख दीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण होने पर उस चावल को दूसरे दिन सूंघ कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। महाराज कितने भी रोग से ग्रसित हो गए, पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी कराता है। बहुत ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में स्वयं नारायण का, मेरे कृष्ण का वास है। स्वयं भगवान गीता के अंतर्गत कहते हैं कि मैं पीपल का वृक्ष हूं। बात ध्यान रखिएगा, यदि काया का रोग हो गया, मान लो शरीर कहीं से सफेद पड़ रहा है, कहीं से काला पड़ रहा है, शरीर में से खाल की फुफड़ी निकलना प्रारंभ हो गई हो, शरीर में काले काले चट्टे पड़ना चालू हो गए हो, या कोई विशेष रोग हो गया, कोई विशेष किसी पत्र में लिखा है, रिश्तेदार को प्लेग फंगस की बीमारी हो गई थी, एम्बर हॉस्पिटल में इंदौर में, कहाँ रह गया नंदी? इसको मालूम है कि मैं प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भ्रमण के लिए जाता हूँ, घूमने के लिए जाता हूँ। 33 कोटि देवताओं में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी को प्रतिदिन शाम के समय, प्रदोष काल में शाम के समय लेकर भ्रमण पर जाते हैं, केवल एक शिव। इस कोटि देवता में कोई दूसरा देवता नहीं है जो अपनी धर्म पत्नी को रोज भ्रमण के लिए ले जाए, केवल भगवान शंकर जाते हैं। लक्ष्मी जी को नारायण जी नहीं ले जाते ज्यादा भ्रमण पर, ब्रह्माणी को ब्रह्मा नहीं ले जाते, इंद्राणी को इंद्र नहीं ले जाते, जितनी देवियां हैं कोई अपने पति के साथ ज्यादा भ्रमण पर नहीं जाती, पर पार्वती मैया ऐसा कोई दिन नहीं होता जो शंकर भगवान के साथ भ्रमण पर नहीं जाती। जैसे भोलेनाथ जी ने आज फिरोजाबाद वालों पर कृपा करी है प्रदोष के दिन की कथा का स्मरण कराने पर, अब प्रदोष का दिन बाबा भोलेनाथ जी आवाज लगा रहे, अपना कर्म
शिव महापुराण की कथा क्या कहती है? शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि तुम मंदिर में जाकर बैठ जाना, कि तुम तीर्थ में जाकर बैठ जाना, कि तुम कहीं अपना घर छोड़कर बैठ जाना, कि परिवार छोड़कर बैठ जाना, कि नाते रिश्ते छोड़कर बैठ जाना। और कोई महाराज तुम्हारे फिरोजाबाद में आकर कहे कि तुम संत बन जाओ, कह देना वो सीहोर वाला महाराज ने मना करा। कोई तुमसे कह दे कि तुम सन्यासी बन जा, कह देना वो सीहोर वाले महाराज ने मना करा। अगर तुमसे कोई कह दे कि तुम्हारा घर छोड़ दो, तो कह देना सीहोर वाले महाराज ने मना करा। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, सबने छोड़ा, मेरे शंकर भगवान ने कुछ नहीं छोड़ा। मेरे शंकर भगवान अपनी धर्म पत्नी के साथ विराजे हैं, मेरे शंकर भगवान अपने पुत्रों के साथ विराजे हैं, गणेश, रिद्धि सिद्धि, कार्तिकेय, पार्वती, अशोक सुंदरी, मेरे शंकर भगवान पूरे परिवार के साथ एक साथ रहते हैं और भगवान की विरल भक्ति धारण करते हैं। मेरा शिव कभी नहीं कहता भगवान नशा करते थे। कोई प्रमाण नहीं दे सकती, कोई पुराण नहीं कह सकती कि शंकर भगवान ने भांग पी, शंकर भगवान भांग पिए, ये कोई पुराण नहीं कह सकती। हाँ, शंकर भगवान के नजदीक में भांग रहती है, पीते नहीं है। नजदीक में क्यों रहती है? जब भगवान शंकर ने विष पिया, विष पीने पर उनके मुख से कुछ बूंदे जमीन पर गिर गई, जमीन पर गिरी, सांप बिच्छू ने वो बूंद ले ली, जो जमीन पर बूंद गिरी उससे भांग धतूरा उत्पन्न हो गया। शंकर भगवान के पास में बूंद गिरने से भांग धतूरा उत्पन्न हुआ, उसके पास में रखा है, उसके पास में रखा है, पीता नहीं है। सनातन धर्म को बदनाम करने वाले कह देते हैं कि देवी देवता तो नशा करते हैं। सनातन धर्म को बदनाम करने वाले कह देते हैं कि देवी देवता तुम्हारे सनातन धर्म के देवी देवता